नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की श्रृंखला में आज सत्र 594 594 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो महाराज निमि और नव योगिंद्रों की चर्चा जो पिछले 2 अध्यायों से चल रही है और कतिपय 7-8 सत्रों से हम इसका श्रवण कर रहे हैं। एक बार के द्वारका प्रवास में नारद मुनि ने वसुदेव के समक्ष जो नव योगिंद्र और महाराज निमि की चर्चा व्यक्त की है, उसे सुखदेव गोस्वामी यहाँ महाराज परीक्षित की जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो कथा वाचक और श्रोता प्रामाणिक है, गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान प्रवाहित हो रहा है। महाराज निमि की जो जिज्ञासाएं हैं उसे यदि हम स्मरण करें तो उन्होंने 9 प्रश्न पूछे थे नव योगेंद्रों से और हम सभी ने पिछले कुछ एक सत्रों में मिलाकर इन प्रथम 7 श्लोकों को 7 प्रश्नों को श्रवण किया है। पहला, सर्वोच्च शुभ क्या है? धर्म स्वभाव आचार वाक्य तथा भागवत के लक्षण क्या हैं? भगवान विष्णु की बहिरंगा शक्ति क्या है? इस माया से कैसे विलग हुआ जा सकता है? ब्रह्म की असली पहचान क्या है? कर्म के 3 प्रकार अर्थात सकाम कर्म के फल भोग पर आधारित कर्म, भगवान को अर्पित कर्म तथा नैष्कर्म कौन कौन से हैं और ईश्वर के विभिन्न अवतारों की कौन कौन सी लीलाएं हैं। तो अध्याय 5 जो हम सभी स्कंद 11 में आज शुरू करने जा रहे हैं उसमें प्रश्न संख्या 8 और 9 भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विहीन अर्थात दूसरे शब्दों में भक्त अभक्त का अंतिम गंतव्य क्या है और चारों युगावतारों के वर्ण रूप तथा नाम क्या हैं और उनके पूजन की क्या विधि है। आचार्य बतलाते हैं कि किया था नवयोगेंद्रों में कवि ने, तत्पश्चात हवि ने, अंतरिक्ष ने, उसके पश्चात प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र और पिछले सत्र में हमने श्रवण किया भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं को दुर्मिल ऋषि के द्वारा। तो जहाँ पर नर नारायण ऋषि की कथा हमने विस्तार से श्रवण की, किस प्रकार देवराज इंद्र यह देख कर कि ऋषि तपस्या में संलग्न है, भगवान के अवतार है नर नारायण और वो विचलित हो जाते हैं ये सोच कर कि कहीं मेरे ऐश्वर्य पर कब्जा करने के लिए तो कोई नहीं आ रहा है, तो भगवान की भ्रामक शक्ति के वशीभूत देवता भी रहते हैं, ये यहाँ इससे प्रतिपादित हो रहा है। वो भगवान जो देवताओं की समय समय पर रक्षा करते हैं उनके द्वारा तपस्या में लीन होता देख कर उनको इंद्र कामदेव और उनके संग अन्य स्त्रियों को भेजते हैं जहाँ पर वो भगवान ऋषि नर नारायण की तपस्या भंग करने पहुंचते हैं। ऋषि नर नारायण बिना क्रोध किए हुए देवताओं को कहते हैं स्वागत है आपका बद्रिकाश्रम में और वो वहां उनको क्षमा करते हैं। सभी के द्वारा भगवान के इस कृत्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है और भगवान ने तत्क्षण देवताओं द्वारा लाई गई स्त्रियों से भी अतीव सुंदरी स्त्रियां उपस्थित कर दी और कहा इनमें से कोई एक आप मेरे से भेंट रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो देवताओं द्वारा उर्वशी को लिया जाता है। इस प्रकार उर्वशी साक्षात नर नारायण ऋषि द्वारा देवताओं को प्रदत्त की गई है। यहाँ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ स्त्री और पुरुष संदर्भ में भगवान ने यह भेंट प्रस्तुत की है। भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि इस जगत की आकर्षक से आकर्षक वस्तु या स्थिति भगवान के आकर्षण से बड़ी नहीं हो सकती। तो जीव को सदैव प्रयास करना चाहिए। तो स्त्री यहाँ पर एक प्रकार के सौंदर्य और ऐश्वर्य की मानक इकाई के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। देखा जाए तो इस जगत के किसी भी क्षण में चर और अचर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, पर भगवान ने उर्वशी के माध्यम से देवराज इंद्र को ये सूचित किया और अन्यों को ये स्मरण कराया कि भगवान का ऐश्वर्य सबसे बढ़कर है। भगवान से बड़ा समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों के प्रभूत उद्भूत स्रोता स्वयं भगवान है। तो आज के अध्याय में हम सभी अध्याय 5 जहाँ हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 से, अध्याय 5 जिसका नाम है नारद द्वारा वसुदेव को दी गई शिक्षाओं का समापन, उसमें प्रश्न 8 और 9 को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् श्रण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 594 में सभी का स्वागत है। हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 11 अध्याय 5। तो जहाँ अध्याय 4 में हमने भगवान के विविध अवतारों की लीला श्रवण की थी, वहाँ अध्याय 5 में हम श्रवण करने जा रहे हैं वो कौन से अभक्त हैं जिन्होंने भगवान हरि से शत्रुता की है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखने में असमर्थ थे, जो शांत नहीं है। और साथ ही साथ महाराज निमी के अंतिम प्रश्न को भगवान के विभिन्न नाम रूप और पूजा विधियों को श्रवण करेंगे। एक बहुत महत्व की बात है हरिनाम चिंतामणि में, जहाँ हम सभी प्रतिदिन सुबह और शाम हरिनाम जप करने के पश्चात श्रवण करने का पुस्तक से प्रयास कर रहे हैं। वहां पर हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के द्वारा पूछे जाने पर कहते हैं, अभक्त भी दो प्रकार के हैं। असंग जो है, ये जो कुसंग है, ये भी दो प्रकार का है। और उसमें वो कहते हैं, एक तो वो है जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ही नहीं है, तो वो भोग में रहते हैं। और एक वो है जो इतना अधिक इंद्रियों का दमन करके रखते हैं कि उनमें अत्यधिक क्रोध अहंकार ये भी उद्भूत हो जाता है। और ये दोनों ही व्यक्ति भगवान के भक्त नहीं होते। तो अत्यधिक योग और अत्यधिक भोग दोनों के केंद्र में यदि भगवान नहीं है तो वो विष के समान है। तो यहाँ हम जिन भक्तों का श्रवण करने जा रहे हैं वो ऐसे ही अभक्त हैं। कौन है? उदाहरण के लिए यदि हम स्मरण करना चाहें, अभक्तों के नाम में हमें किसका स्मरण होगा? कंस का स्मरण होगा, हिरण्यकशिपु का स्मरण होगा, रावण का स्मरण होगा। बड़े बड़े ज्ञानी हैं, इतना अधिक इंद्रियों को दमन कर लिए, किसी भी प्रकार की भौतिक जगत की इच्छा आकांक्षा कामना से उन्हें कोई मनोरथ नहीं है, पर उनके जीवन में भगवान से वैर है, इसलिए वो भी अभक्त की श्रेणी में आते हैं। तो भगवान का भक्त बनना बहुत सरल कार्य है, पर इसके लिए जीवन में बहुत सहजता चाहिए। और यदि सहजता नहीं है तो जीवन में सतर्कता नहीं आती, क्योंकि सहजता का अर्थ है कि हमारे जीवन में स्पष्टता रहनी चाहिए। सतर्कता का अर्थ है कि हम उस स्पष्टता के साथ कार्य करने के लिए अपने आप को परिचित रखे रहें। तो संसारी गपशप में रुचि रखने वाले, यहाँ आचार्य कहते हैं, संसारी गपशप में रुचि रखने वाले विष्णु और वैष्णव की भक्ति में अपना मन नहीं लगा पाते। वो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्तों का मजाक उड़ाते हुए सदैव बुद्धि से विहीन रहकर मानसिक स्तर पर कार्य करते हैं। तो जन सामान्य में ये स्वाभाविक है, पर जब जन सामान्य भक्त की संगति में आता है तब अपने आप को वो परिवर्तन करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। तो यहाँ पर श्रवण करते हैं श्लोक संख्या 1 से। जिनके पास पुस्तक है मेरा अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तक का प्रयोग करें, अन्य सभी की सुविधा के लिए हम लोग यहाँ श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं। श्री राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमा तेषाम् अशान्तकामानां कनिष्ठा विचितात्मतानां। राजा निमि ने आगे पूछा, हे योगेंद्रो, आप सभी लोग आत्मविज्ञान में परम दक्ष हैं, अतएव मुझे उन लोगों का गंतव्य बतलाइए जो प्रायः भगवान हरि की पूजा नहीं करते, जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा पाते और जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। ऐसा ही कुछ प्रश्न अर्जुन ने भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से भी किया था। उन योगियों की गति बताइए जो अंतिम लक्ष्य के रूप में आपको प्राप्त नहीं कर पाते। तो इस 5वें अध्याय में नव योगेंद्रों में से उल्लेख आता है, चमश ऋषि बतला रहे हैं उस अशुभ मार्ग का वर्णन जो उन लोगों के द्वारा पालन किया जाता है जो भगवान विष्णु की भक्ति के प्रतिकूल है। नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की कल्पना में स्वप्न लोक में विचरण करते हुए ये भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल कर रहते हुए ऐसे लोगों की गति को विदेहराज निमि के समक्ष चमश मुनि अव्यक्त करने जा रहे हैं। क्योंकि निमि का प्रश्न है कि ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किया गया गंतव्य क्या है, अंतिम गति क्या होती है ऐसे लोगों की। श्लोक संख्या 2 में कहते हैं,
श्री चमस उवाच मुख बाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमे सह चत्वारो यज्ञरे वर्णा गुणैर्विप्रादय पृथक। श्री चमस ने कहा, ब्राह्मण से शुरू होने वाले चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांघ तथा पांव से उत्पन्न हुए। इसी तरह चार आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न हुए। तो ये हमने पहले भी श्रवण किया है, विराट स्वरूप की व्याख्या जो हम सभी ने स्कंद दो में श्रवण की थी, वहां पर वर्णन आता है कि जिनके जीवन में भगवत भक्ति के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं होता, वो वर्ण और आश्रम प्रणाली का अर्थात वर्णाश्रम प्रणाली का पालन करके धीरे धीरे शुद्ध बन सकते हैं। तो भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 13 में भगवान ने कहा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मेरे द्वारा स्थापित की गई है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और ये जन्म के आधार पर नहीं है, ये गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर। इसीलिए हरिनाम चिंतामणि में स्पष्ट कहा गया, भक्त या वैष्णव वर्ण और आश्रम की व्यवस्था से परे होता है। तो विराट रूप के इस उद्भव स्वरूप वर्ण के प्रकार को बतलाते हुए उल्लिखित है कि भगवान के विराट मुख के रूप के मुख से, बाहु से, जांघ और पांव से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उत्पन्न हो रहे हैं। और इसी प्रकार से आश्रमों के बारे में बताया गया है कि विराट पुरुष के हृदय से ब्रह्मचारी, कटी से गृहस्थ, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और उनके सिर से उत्पन्न है संन्यास आश्रम। तो इसकी प्रामाणिक पुष्टि ऋक संहिता, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद अनेक अनेक स्थानों पर है, जिसे यहाँ पर तात्पर्य में भी संकलित किया गया है। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शुद्रो अजायत। तो दुर्मिल और अविहोत्र के पश्चात भगवत भक्ति का वर्णन करते हुए नव योगिंद्रों में चमस मुनि अब यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। वर्णाश्रम की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ऐसे जीव जो स्वतः भक्ति को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उनको वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का निर्देश है स्वयं को शुद्ध बनाने के लिए। कहते हैं, य एषां पुरुषं साक्षात् आत्मप्रभवं ईश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टा पतन्ति अधः। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, तो वे सभी अपने पद से गिरकर नारकीय दशा को प्राप्त करते हैं। तो जन्म से यदि किसी वर्ण विशेष में, व्यवहार से यदि किसी आश्रम विशेष में जीव ने अपने आप को उपस्थित भी किया है, तो भी आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञानतावश भगवान की पूजा न करने वाला, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो और किसी भी आश्रम का हो, उसकी सुगति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने स्रोत से ही अनभिज्ञ है, उसे अपनी जड़ का ज्ञान नहीं है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, उसकी अंतिम गति कहाँ है, यदि उसे उसका भान नहीं है, तो उसके लिए मुक्ति का, भक्ति का, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति का कोई और मार्ग नहीं है। तो होता क्या है, इसे उल्लिखित है, ऐसा अल्प ज्ञानी जीव वर्ण और आश्रम प्रणाली से नीचे गिर जाएगा और असंयमी पशुवत हो जाएगा, असंयमी पशुवत। तो अभक्त की गति बताने का यहाँ पर क्रम चल रहा है और इसलिए आगे उल्लेख कर रहे हैं चमस मुनि, दूरे हरि कथा के चेत दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिय शूद्रादय चैव ते अनुकंप्या भवादृशाम। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें भगवान हरि विषयक वार्ताओं में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता है, जिसके कारण भगवान की अच्युत कीर्ति का कीर्तन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य पतित जाति के व्यक्ति सदा ही आप जैसे महापुरुषों की कृपा के पात्र होते हैं। अब पुनः यहाँ पर यह सोचकर कि शूद्र के बारे में, स्त्रियों के बारे में या पतित जाति के व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर क्यों उल्लिखित है, तात्पर्य में आचार्यों ने स्पष्ट किया, समस्त स्त्रियों के लिए नहीं कहा है, समस्त प्रकार के शूद्रों के लिए भी नहीं कहा है और समस्त प्रकार की जाति के व्यक्तियों के लिए भी नहीं कहा है। जो अपने शरीर विशेष, वर्ण विशेष या आश्रम विशेष की दुरावस्था को, दुर्गुणों को छोड़कर भक्ति पथ पर नहीं अग्रसरित हो पा रहे हैं, उन सब के लिए कहा गया है। स्वाभाविक रूप से शास्त्र कहते हैं स्त्रियां दूसरों के लिए पहले सोचती हैं, चाहे वो उनके परिवारी जन हो, संबंधी जन हो, तो वो स्वयं के आत्मिक विकास से
ऊपर नैसर्गिक रूप से अपने करुणामय और ममतामय स्वभाव के कारण वो अन्यों के लिए अधिक चिंताग्रस्त रहेंगी, परिवारीजन के लिए। स्वभाव से करुणा और दयालुता के कारण उनमें आत्मिक विकास की प्रवृत्ति, ऐसा नहीं ये समस्त स्त्रियों के लिए कहा जा रहा है, तो पुनः ये अपने पर आक्षेप लेने के अर्थ में नहीं है, यह इस विषय की स्पष्टता से समझने के लिए। शूद्र गुण कर्म और स्वभाव से सदैव सेवा में संलग्न है। अन्य पतित जाति यहाँ पर यवन म्लेच्छ इनके संदर्भ में कहा गया, जो जातियां हमारे सामाजिक व्यवस्था में स्थापित है उनकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर। जातियां इस अर्थ में कही गई हैं जो हूण शक यवन म्लेच्छ जो श्रीमद् भागवतम में उल्लेखित है। तो शब्द का प्रयोग यदि स्थान काल के अनुसार नहीं हो रहा है तो इसमें भ्रम की उपस्थिति निश्चित रूप से संभव है। कहते हैं ऐसे लोग जिन्हें हरि विषयक वार्ताओं में भाग लेने का कम अवसर मिल पाता है, और जब ये कहा जाए, इसी बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं। जब स्त्रियों के लिए कहा जाए आप तो इतना दूसरों के लिए सोचती हैं करती हैं, आपके पास स्वयं के लिए समय नहीं है, यकीन मानिए ज्यादातर माताएं ज्यादातर स्त्रियां इसे अपनी प्रशंसा के रूप में लेती हैं। समयांतर पर उनका स्वास्थ्य, समयांतर पर उनकी आध्यात्मिक प्रगति, समयांतर पर उनकी आत्मिक विकसित होने की अवस्था और व्यवस्था कितनी भी खंडित हो जाए पर वो इससे प्रसन्न रहती है, संतुष्ट रहती है कि वह अन्यों को तुष्ट कर पा रही है। तो यहाँ पर इसलिए दूसरी पंक्ति पर जाने से पहले, अनुवाद में ही यदि हम देखें तो दूसरी पंक्ति पर जाने से पहले हमें पहली पंक्ति पर जाना है, जिन्हें भगवान हरि विषयक वार्ताओं में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता है और जिसके कारण भगवान की अच्युत कीर्ति का कीर्तन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। कहीं नहीं लिखा है कि स्त्रियां शूद्र अन्य पतित जाति ये बुद्धि से कम है या व्यवहार से कम है, ये अपने स्वभाव की वजह से, क्योंकि जो स्त्री शरीर, जैसे पुरुष शरीर की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ मजबूत पक्ष हैं कुछ कमजोर पक्ष हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों के लिए। तो यहाँ पर ये कारण कहा है जिनके पास समय की अनुपलब्धता है। आगे तात्पर्य में देश काल विशेष के अनुसार कहीं कहीं जो निम्न श्रेणी के जीव हैं, धूम्रपान सुरापान स्त्री आघेड़ जैसी गंदी हरकतों में लिप्त कहे गए, सामान्य रूप से स्त्रियों को कामुक कहा गया, उनके भीतर जो आकर्षण तत्व है वो सामान्य रूप से अधिकतम है, ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के अनुसार है ये, तो इसको भी यहाँ पर हमें नकारात्मक संबंध में नहीं लेना है। क्यों ये विषय लाया गया है हमें ये समझने का प्रयत्न करना है। विषय ये है कि यदि स्त्री शरीर प्राप्त करके भी कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्मिक विकास के लिए प्रयत्नशील है तो ये पंक्तियां उसके लिए बिल्कुल भी संबोधित नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसे स्पष्ट करते हैं। आगे कहते हैं आचार्य कि चैतन्य महाप्रभु ने तो इतनी कृपा की है कि कृष्ण का नाम इतना अधिक प्रभावशाली हो चुका है कि कोई भी पुरुष स्त्री बालक पशु तक यदि कृष्ण नाम का कीर्तन करके प्रसाद ग्रहण करे तो वह शुद्ध बन सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में, कृष्ण भावनामृत के इस आंदोलन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक श्रील प्रभुपाद के इस प्रयास में किसी भी निष्ठावान व्यक्ति को सर्वोच्च आध्यात्मिक और आत्मिक सिद्धि करने से रोका नहीं जा सकता। तो जो पंक्ति हमारे महत्व के लिए और काम के लिए, हमारी प्रगति में अग्रसरित करने के लिए, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। यहाँ लिखा है स्पष्ट रूप से निष्ठावान व्यक्ति को सर्वोच्च आध्यात्मिक आत्मिक सिद्धि प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। श्रील प्रभुपाद की विदेशी शिष्याओं ने उनके संग वाले जो पुरुष साधु भक्त प्रभु थे उनके द्वारा ये विचार पढ़े जाने के पश्चात जब आक्षेप देखा था तब पूछा था श्रील प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद ने कहा था जब तक कोई भक्ति में नहीं आता तभी तक वो स्त्री पुरुष शूद्र वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रिय होता है, भक्त और वैष्णव वर्ण और आश्रम की वर्णाश्रम की व्यवस्था से परे होते हैं। तो यहाँ पर आगे कहते हैं श्लोक संख्या 5 में, विप्रो राजन्य वैश्यो वा हरे प्राप्ता पदांतिकम् श्रोति न जन्मना अथापि मुह्यन्ति आम्नायवादिनः। दूसरी ओर ब्राह्मण राजसी वर्ग के लोग तथा वैश्य जन वैदिक दीक्षा द्वारा द्वितीय जन्म प्राप्त करके द्विज भगवान हरि के चरण कमलों के निकट जाने की अनुमति दिए जाने पर भी मोहित हो सकते हैं और विविध भौतिकतावादी दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्व की बात है हमारे लिए समझने का। अभी केवल स्त्री शूद्र और पतित जाति के लिए नहीं कहा गया, अभी ये भी कहा गया कि जो ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय हैं उनको द्वितीय दीक्षा प्राप्त हो भी जाए तो भी उनके भीतर ऐसा मोहजनित भ्रामक संघ हो सकता है कि अवसर प्राप्त होने के बाद भी वो भगवान के निकट ना जाए। तो क्योंकि अभक्त का अंतिम गंतव्य क्या है,
प्रश्न ये है राजा निमि का, इसलिए पूरी प्रस्तावना और भूमिका के साथ चमस मुनि सभी प्रकार की संभावनाओं को यहाँ पर सूचीबद्ध कर रहे हैं। वो कहते हैं संभव है कि जिन्हें द्वितीय दीक्षा प्राप्त हुई हो वे भी, जिनके पास भगवान हरि के चरण कमलों के निकट जाने का अवसर हो, रावण के पास क्यों नहीं अवसर था, कंस के पास, कंस तो संबंधी था, क्यों नहीं अवसर था, हिरण्यकशिपु, इन सबके पास अवसर था। और यहाँ पर लिखा है कि भौतिक मायावी पद को प्राप्त करके जीव कई बार इतना विमुग्ध हो चुका होता है कि वह कर्मकांड को, स्वर्गीय की इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। जब हम इस प्रकार की भाषा सुनते हैं तो हम सोचते हैं नहीं, हमें तो यदि भगवान हरि के चरण मिले और स्वर्ग का आनंद मिले तो हम हरि के चरण चुनेंगे, स्वर्ग के आनंद को तो हम यूं ही दूर छोड़ देंगे। पर यदि हम अपने प्रतिदिन के जीवन का अवलोकन करें तो प्रत्येक दिन जो भगवान ने दिया है, जिसमें हम स्वस्थता पूर्वक अन्य सभी बातों की चर्चाएं कर सकते हैं, उस एक क्षण में हम हरि के संग का आनंद लेते हैं या उन वार्ताओं का आनंद लेते हैं, ये हमारी भगवान के प्रति समर्पण की, प्रगति की, निष्ठा की जो इकाई है उसको सूचित करता है। तो आवश्यकता नहीं है कि हिरण्यकश्यप और रावण और कंस की तरह हम पहले प्रतीक्षा करें कि हम इतने बड़े ज्ञानी कर्मकांडी बने, उसके पश्चात भगवान से शत्रुता रखें और फिर दिखाएं कि देखो हम तो स्वर्ग का सुख छोड़कर भगवान के श्री चरणों में आ रहे हैं। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम कितने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, कितने हम अपने समय के सदुपयोग के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कि भी इस बात को सूचित करता है कि हम कितने बड़े भक्त बनने की ओर अपने आप को प्रयासित करने के लिए समर्पित हैं। अंतिम पंक्तियों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि कर्म और ज्ञान द्वारा भौतिकतावादी जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं उनको छोड़कर भगवान के श्री चरण कमलों की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि केवल अभागे व्यक्ति ही गोकुलानंद भगवान के चरण कमलों पर भावमय शरणागति की अपेक्षा किसी और आनंद को उससे अधिक मांगेंगे। अर्थात केवल ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की पंक्ति है, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट रूप से कहने के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे। तो वो कहते हैं केवल अभागे व्यक्ति ही ऐसी आकांक्षा कर सकते हैं कि इस जगत में कोई आनंद गोकुलानंद भगवान के चरण कमलों की शरणागति से बढ़कर हो सकता है। अर्थात ऐसा कोई आनंद नहीं जो भगवान की शरणागति से बढ़कर हो, ये तो भगवान की माया है जो हमें भ्रमित करके इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र विभिन्न प्रकार के आनंदों का अवलोकन कराती है और भगवान के श्री चरण कमलों से हमें विमुख रखती है। श्लोक संख्या 6 में कहते हैं कर्मण्य को विदा स्तब्धा मूर्खा पंडित मानिना वदन्ति चाटुकान मूढ़ा यया माधव्या गिरोत्सुका। कर्म कला से अनजान, वेदों के मधुर शब्दों से मोहित तथा जागृत ऐसे उद्धत गर्वित मूर्ख जन अपने को विद्वान होने का ढोंग रचते हैं और देवताओं की चाटुकारिता करते हैं। जो कहते हैं नहीं, हम तो हर काम में भगवान को स्मरण रखते हैं, पर उनकी चित्त वृत्ति स्थिरता शांति गंभीरता जीवन से कोसों दूर होती है। उनके लिए कहा गया कि वो कर्म कला से अनजान है, वो वेदों के मधुर शब्द से मोहित है और वो अपने को विद्वान होने का ढोंग रचते हैं, और वो सकाम करके तलाश में देवताओं की चाटुकारिता करते हैं। तो देवताओं से भक्तों का कोई वैर नहीं है, देवता भगवान की भक्ति करने वालों के समकक्ष नहीं आते, भगवान की भक्ति करने वाले वास्तव में देवताओं से उच्चतर है, ये सभी शास्त्र कहते हैं। तो लघुता और प्रभुता से परे जीव का गंतव्य, यदि भगवान प्रसन्न है तो देवता निश्चित रूप से प्रसन्न है, इस पंक्ति पर अटल विश्वास करके भगवान के श्री चरण कमल प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। स्वर्गीय माया जाल के मह बहकावे में आना, अनियंत्रित विषय वासना में अपने आप को संलग्न रखना, जो जीवन में मिथ्या अहंकार देगा, क्रोध देगा, लोभ देगा, भय देगा, इंद्र और अन्य देवता सदैव भयभीत रहते हैं, कभी किसी असुर से कभी किसी असुर से, क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि इसलिए तपर लोक और महर लोक की स्थिति स्वर्ग लोक से ऊपर है। यदि हम देखें धरती के दो लोक ऊपर, जब हम 14 भुवन का श्रवण करते हैं तो हमें स्पष्ट पता चलता है तपर लोक महर लोक ऊपर है स्वर्ग लोक से, क्योंकि वहां उच्चतर जीव उपस्थित है, देवता अभी भी अपने आप को, तो देवताओं की निंदा नहीं है ये स्वाभाविक स्थिति, 14 भुवन इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की स्थिति के बारे में स्पष्ट किया गया है। आगे बताते हैं रजसा घोर संकल्पा कामुका अहिमन्यव दाम्भिका मानिना पापा विह संत्यच्युत प्रियान। रजोगुण के प्रभाव के कारण वेदों के भौतिकतावादी अनुयायी उग्र इच्छाओं के वशीभूत होकर
अत्यधिक कामुक बन जाते हैं। उनका क्रोध सर्प जैसा होता है। वे चालबाज, अत्यधिक गर्वीले तथा आचरण में पापपूर्ण होने से भगवान अच्युत के भक्तों की हंसी उड़ाते हैं। तो यह भी स्थिति यह है कि सतोगुण के देवताओं की स्थिति बताने के पश्चात देव स्वरूप होने वालों के जीवन में भी प्रतिष्ठा की, यश की कामना होती है। जो रजोगुण में है वो तो अपनी उग्र इच्छाओं के वशीभूत होते हैं। तो देवता अपना कल्याण करेंगे, अन्यों के कल्याण की भी कामना करेंगे। रजोगुण में रहने वाले जीव क्या करेंगे, अपने कल्याण के लिए वो अन्यों का अहित करने का भी प्रयास कर सकते हैं जो रजोगुण में रहते हैं। और तमोगुण के वाले क्या होते हैं, उन्हें अपना ही अहित नहीं पता, तो वो अपना भी अहित करते हैं और अन्यों का भी अहित करते हैं। तो रजोगुण के लिए इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि उनका क्रोध सर्प जैसा होगा, वो अत्यधिक गर्वीले होंगे, आचरण में पापपूर्ण होंगे और चालबाज होंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वे भगवान की भक्ति करने वालों का जानबूझकर या अनजाने में अनेकों बार उपहास कर देंगे। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के संरक्षण में रहने वाले शिष्य कहते हैं, जब कृष्ण भावनामृत को वितरण करने वाले भगवत भक्त जो अपने जीवन की उस अवस्था में किसी भी प्रकार का सुख भोग कर सकते हैं, अन्यों के प्रयासार्थ पुस्तक का वितरण करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, अन्य प्रकार की सेवाओं में लगे होते हैं, तो जो रजोगुण में लगे हुए वो कहते हैं ये भिखमंगे अपना पेट भरने के लिए भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। तो आचार्य कहते हैं ऐसे भौतिकतावादी धूर्त उन भगवत भक्तों के दिव्य पद को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। इस जगत में यदि किसी को लगता है कि वो अपने पुरुषार्थ से अपना भरण पोषण कर रहा है तो ये एक प्रकार का अहंकार है। भगवान ने नवजात शिशु को किसी भी योनि के नवजात शिशु को जब भेजा होता है तो उसके लिए भोजन की, उसके भरण पोषण की व्यवस्था प्रबंध पहले ही किया होता है, और उसके पश्चात भी सामने की, जैसे हमारी उक्तियों में, स्थानीय लोकोक्तियों में कहा जाता है, यदि भगवत इच्छा नहीं है, भगवत कृपा नहीं है, तो सामने की रखी हुई थाली का भोजन मनुष्य नहीं कर सकता। और वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है इस धराधाम पर जो रहने के लिए इतना श्रम करता है। पूरा पूरा जीवन कई बार अति शिक्षित प्रतिष्ठित लोगों का एक अपने सपनों का महल घर बनाने में निकल जाता है। सुबह से लेकर शाम तक जिस भोजन के तलाश में वो अपना ये मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वो कीट पतंगों, पेट में रहने वाले कृमियों को, आंतों में भी हमारे कृमि कीड़े रहते हैं, उनको स्वतः ही प्राप्त हो रहा है। तो ये पुरुषार्थ वास्तव में चिंतन गंभीर किया जाए तो पुरुषार्थ का षड गोस्वामी हमारे 22-23 घंटे तक जगे रहते थे। शिक्षक की अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो बतलाया गया था, उसमें पुस्तकों का लेखन करते थे, मंदिर निर्माण के लिए पुरुषार्थ करते थे, और सूखी रोटी, सबके अपने अपने अर्चा विग्रह थे, सारे गोस्वामियों के अपने अपने अर्चा विग्रह थे। कभी कभी जो मिल गया स्वतः रूप से वो भोजन कर लिया भगवान को अर्पण करने के पश्चात, उन्हें इसकी चिंता भी नहीं थी। इसका अर्थ ये स्वाभाविक है, ये कोई दिखावटी कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। जो दिखावटी जीव करता है वो इस जगत में अपनी प्रभुता को और बढ़ाने के लिए करना चाहता है। एक जब उदाहरण देते हैं आचार्य, एक गाड़ी से दो गाड़ी, तो कई लोग उसके लिए भी उपहास में कहते हैं पहले एक गाड़ी तो हो जाए, पर विचार करके देखा जाए तो ऐसा नहीं है। जितनी जिसकी आवश्यकता है भगवान भरण पोषण कर रहे हैं, पर ये मनुष्य जीवन उससे अधिक गंभीर विषयों पर चिंतन करके और अन्यों को मार्ग प्रशस्त करने के लिए मिला है। पर रजोगुण में यदि हमारी रुचि है तो हम इस ओर अपने आप को अग्रसरित नहीं कर पाएंगे। आगे कहते हैं चमशमुनि, वदन्ति तेऽन्योन्यमुपासितः स्त्रियो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः यजन्ति श्रिष्टान्नविधानदक्षिणं वृत्ते परं घ्नन्ति पशून् अतत्विदः। वैदिक विधानों के भौतिकतावादी अनुयायी भगवान की पूजा का परित्याग करके अपनी पत्नियों की पूजा करते हैं और इस तरह उनके घर यौन जीवन के लिए समर्पित हो जाते हैं। ऐसे भौतिकतावादी गृहस्थ इस प्रकार के मनमाने आचरण के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। वे अनुष्ठानिक यज्ञ को शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक साधन मानकर अवैध उत्सव मनाते हैं, जिनमें न तो भोजन बांटा जाता है, न ही ब्राह्मणों तथा अन्य सम्माननीय व्यक्तियों को दक्षिणा दी जाती है। विपरीत इसके वे अपने कर्मों के कुपरिणामों को समझे बिना क्रूरतापूर्वक बकरों जैसे पशुओं का वध करते हैं। तो यहाँ पर भौतिक वृत्ति, अब समाज में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए रजोगुणी व्यक्तियों द्वारा जो व्यवहार किया जाता है उसकी बात की जा रही है। रजोगुणी व्यक्तियों का परिवार कहा जा रहा है कि उनका घर मनमाने आचरण के लिए
ऐसे गृहस्थ के रूप में वो जीते हैं जो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहे। उनका घर यौन जीवन के लिए समर्पित होता है। जो जो वस्तुएं, जो जो साधन, जो जो आवश्यकताएं जीव की तामसिक वृत्ति की ओर उसे अग्रसरित करें, उसकी पूर्ति की जाएगी। और वास्तव में हमें सामान्यतः अपने आसपास ऐसा दिख भी जाता है। बड़े बड़े जब वैवाहिक आयोजन होते हैं, घर के परिवार के कुशल मंगल सूचनाओं पर एकत्रित जन समुदाय के समक्ष उनके दिखावे के लिए व्यय किया जाने वाला धन और संस्कारों का, संस्कृति का, शास्त्र निर्देशित कर्तव्यों के लिए व्यय किया जाने वाला धन, इन दो प्रकार के धन की श्रेणी का अनुपात यदि हम देख लें, तो जहाँ ब्राह्मण और पुजारी या पुरोहित जो वो उस धार्मिक अनुष्ठान को आयोजित कर रहे हैं उससे शुल्क निर्धारित करने के लिए जितना समय और ऊर्जा व्यय की जाती है, उसके विपरीत जो भोगों के लिए उपलब्ध संसाधन है, चाहे वो भोजन की प्लेट के रूप में हो, चाहे वो गायन, संगीत, इन विभिन्न प्रकार के साधनों के लिए हो, एक में व्यय किया गया धन और दूसरे में व्यय किए गए धन का जो अंतर है वो इस बात को स्पष्ट करता है जो यहाँ पर लिखा गया है। तो ये अपने अपने आत्मावलोकन के लिए, अपने अपने व्यवहार में पालन करने के लिए क्या कहा जा रहा है, ऐसे कुकर्मों के कुपरिणामों को समझे बिना जिनमें क्रूरता पूर्वक बकरों जैसे पशुओं का वध किया जा रहा है, जहां न तो भोजन बांटा जा रहा है, न ब्राह्मणों सम्माननीय व्यक्तियों को दक्षिणा दी जा रही है, जहां केवल शारीरिक निर्वाह के लिए आवश्यक साधन मानकर अवैध उत्सव किए जा रहे हैं इस शरीर का और इस संघ का, ऐसे श्रेणी के जीवों को शमशमनी कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति है। यह शरीर इससे अधिक सोचने समझने के लिए और प्रयोग करने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 9 में, श्रिया विभूत्या भिजने न विद्या, त्यागे न रूपे न बले न कर्मणा, जातस्मयेनांद दिये सहेश्वरान, सतो वमन्यन्ति हरि प्रियान खला। दुर्मति व्यक्तियों की बुद्धि उस मिथ्या अहंकार से अंधी हो जाती है जो धन संपदा, ऐश्वर्य, उच्च कुलीनता, शिक्षा, त्याग, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक शक्ति तथा वैदिक अनुष्ठानों की सफल संपन्नता पर आधारित होता है। इस मिथ्या अहंकार से मदांध होकर ऐसे दुष्ट व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों की निंदा करने लगते हैं। तो जैसे जैसे ये पाशविक प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, जीव के भीतर भगवान की कृतज्ञता को, उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के अवसर को धूमिल करने की प्रवृत्ति, उस पर अधिक समय न लगाने की मानसिकता और विकसित होती जाएगी। जीव अपने आप को अनेकों प्रकार के उदाहरणों के द्वारा, अनेकों प्रकार के अन्य आवश्यक कार्यों में संलग्नता का दिखावा करके सदैव आध्यात्मिक प्राथमिकता को पीछे रखता चला जाएगा। तो वास्तव में ये अध्याय, ये शिक्षाएं जब वसुदेव पूछ रहे हैं, या महाराज निमि पूछ रहे हैं, या राजा निमि पूछ रहे हैं, क्षमा कीजिए, या राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, तब उनके द्वारा उनके उच्च गंभीर चिंतन को दर्शाता है। क्योंकि आसपास दिखने वाले वातावरण में सामान्यतया इस प्रकार की वार्ता और चर्चा करने वाले व्यक्ति या तो समाज से कटे हुए दिखते हैं, या उनको अत्यंत निराश्रित इस भौतिक जगत में किसी प्रकार की उपलब्धि न प्राप्त कर पाने के कारण ऐसी नकारात्मक मानसिकता वाला समझ लिया जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद द्वारा चैतन्य महाप्रभु के इस अभियान में बड़े बड़े केंद्रों की स्थापना की गई, आत्मनिर्भरता की बात की गई। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अपने कम्युनिटी फॉर्म्स हैं, अपने स्कूल्स हैं, गुरुकुल हैं, अपनी आर्थिक निर्भरता को बनाकर आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जाए, इसकी ओर श्रील प्रभुपाद ने सदैव ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि जीव सामान्यतया जो आध्यात्मिक चर्चा में अपने आप को संलग्न करना चाहते हैं, उन्हें नकारात्मक स्वभाव वाला समझ लेते हैं। क्या हर समय मृत्यु के पहले तैयारी करो, मृत्यु के लिए सावधान रहो की बातें करते हो, जब तक जीवन मिला है तब तक सुख भोगते हैं, इस प्रकार की बातें कही जाती है। पर जो परम शाश्वत सत्य है, जब वो हमारे समीप काल के रूप में प्रकट होता है, तब हमारे पास अन्य किसी भी विषय पर विचार करने की, वापस समय में जाने की
सुविधा उपलब्ध नहीं होती। और जो भक्त इस ओर मार्ग इंगित करे, ध्यान आकृष्ट करे, उसको सामान्यतया ऐसे रजोगुणी व्यक्ति तिरस्कार से देखते हैं। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर चमश मुनि अभक्तों का स्वभाव बताते हुए रजोगुणी की इस धृष्टता को व्यक्त कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, सर्वेषु शश्वत तनुभृच्छु अवस्थितम यथा खमात्मानमभीष्टम ईश्वरम वेदोपगीतम च न श्रण्वते अबुदा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्त्या। प्रत्येक देहधारी जीव के हृदय के भीतर शाश्वत स्थित रहते हुए भी भगवान उनसे पृथक रहते हैं, जिस तरह की सर्वव्यापक आकाश किसी भौतिक वस्तु में घुल मिल नहीं जाता। इस प्रकार भगवान परम पूज्य हैं और हर वस्तु के परम नियंता हैं। वेदों में उनकी विस्तार से महिमा गाई जाती है, किंतु जो लोग बुद्धिविहीन हैं वे उनके विषय में सुनना नहीं चाहते। वे अपना समय अपने उन मनोरथों की चर्चा करने में बिताते हैं जो यौन जीवन तथा मांसाहार जैसी स्थूल इंद्रिय तृप्ति से संबंधित होता है। तो यहाँ पर चमश मुनि कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए अभक्तों का अंतिम गंतव्य क्या है, ये जानने से पहले अभक्त कहाँ किसे जा रहा है, अभक्त है कौन शास्त्र की भाषा में। तो कहते हैं कि देहधारी के भीतर तो भगवान निश्चित रूप से उपस्थित हैं, हम सबके भीतर परमात्मा तत्व और आत्म तत्व भगवद गीता अध्याय 2 में बतलाया गया है कि एक ही डाल पर बैठे हुए दो पक्षियों के समान है। परमात्मा तत्व अवस्थित होकर आत्म तत्व के द्वारा संलग्न क्रियाओं में निरीक्षण करता है। पर परमात्मा के स्वभाव से हमें ये भी सीखना चाहिए, जब तक आत्म तत्व सहायता की बात नहीं करता, मेरा मार्गदर्शन करें भगवान, तब तक परमात्मा तत्व बिल्कुल स्थिर दिखता है, ऐसा लगता है जैसे है ही नहीं। जब भगवान भगवद गीता में कहते हैं अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में, वेदेश्च सर्वम रहमेव वेद्यम, समस्त वैदिक ज्ञान का लक्ष्य परम सत्य को जानना है और वो परम सत्य के रूप में मैं सभी के हृदय में उपस्थित हूँ। पर मूर्ख लोग, ये आचार्यों की भाषा है, मूर्ख लोग इस सरल से सत्य को ग्रहण नहीं कर पाते। वे अपने साथ वाले साथियों के साथ केवल इंद्रियों को सुखी और तृप्त बनाने वाले ज्ञान का अनुशीलन करने का अधिक प्रयास करते हैं। बड़े से बड़े शौक की पुष्टि, भोजन का स्वाद वही है और भोजन से उतना ही पोषण मिलना है, चाहे उसको ग्रहण करने की विधि या स्थान या आसपास क्या आसपास का जो मनोविज्ञान है, जो परिस्थिति है, जो वातावरण है, वो कितना भी परिवर्तित कर दिया जाए। तो भौतिकतावादी इंद्रिय लोलुप व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक केवल अपना उदर पोषण करने की प्रवृत्ति में जीते हैं। आचार्य कहते हैं ऐसे जीवन में जब वो अत्यधिक असंतुष्ट होने लग जाते हैं तो अनेकों प्रकार की रुचियों में अपने आप को संलग्न कर लेते हैं और इस प्रकार पूरा जीवन तमोगुणी रूप में बिता देते हैं। तो जिस प्रकार जब तक मुंह में, सरलतम शब्दों में कहा गया, जब तक मुंह में नमक का स्वाद है, तब तक कितना भी मीठा कोई खाता रहे उसको खारापन अनुभूत होता रहता है। जब तक मन की कल्मषता दूर नहीं हो जाती, असत संग दूर नहीं हो जाता, तब तक जीव की स्वयं भी आध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति में सदैव थकान का अनुभव होता है, जबकि भक्त के जीवन में सदैव मुस्कान रहती है। भगवान का संग, भगवान का सामिप्य, जो भगवान स्वयं सच्चिदानंद है, उनका संग रहने वाला जीव, उनका ध्यान करने वाला जीव कभी भी अपने आप को उदास नहीं पाता। सुदामा के लिए कहीं नहीं लिखा है कि वो व्यथित होकर एक कोने में बैठे हुए थे। प्रहलाद के लिए कहीं नहीं उल्लेख आता कि प्रहलाद एकदम पीड़ित और शोषित शोषित अनुभव कर रहे थे जब हिरण्यकश्यप उनके ऊपर इतने अत्याचार कर रहे थे। लिखा है भगवान तो बद्ध जीव के हृदय में धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करते, भगवान कभी परीक्षा नहीं करते, प्रतीक्षा करते हैं। और परमात्मा को जीव पहचान सके इसके लिए आसपास की कठिनाइयों के द्वारा उसे प्रोत्साहित करते हैं। तो बद्ध जीव द्वारा भगवान को पहचानना कल्याण तथा सुख की शुरुआत है, जीव को ये समझना पड़ेगा। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 11 में, लोके व्यवायाम मध्य सेवा नित्या हि जन्तो नहि तत्र चोदना व्यवस्थिति तेषु विवाह यज्ञ सुरा ग्रहे आसु निवृत्तिष्ठा। इस भौतिक जगत में बद्ध जीव यौन मांसाहार तथा नशे के प्रति सदैव उन्मुख रहता है, इसलिए शास्त्र कभी भी ऐसे कार्यों को बढ़ावा नहीं देते। यद्यपि पवित्र विवाह के द्वारा यौन, यज्ञों द्वारा मांसाहार तथा उत्सवों में सुरा के प्याले ग्रहण करके नशे के लिए शास्त्रों का आदेश है, किंतु ऐसे उत्सव
मंतव्य उनकी ओर से विरक्ति उत्पन्न करना है। तो कई बार ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि शास्त्रों में मांसाहार का उल्लेख है, शास्त्रों में बड़े बड़े राजाओं द्वारा सुंदर नाच गायन देखने का उल्लेख किया गया है, शास्त्रों में पवित्र विवाह के द्वारा यौन संबंध स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त है। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि वास्तव में जो शुद्ध कृष्ण भावनामृत में अभी अपने आप को अवस्थित नहीं कर पाए हैं, जिस प्रकार बच्चे को कड़वी दवाई पिलाओ और उसे कोई उसके मन का काम करने की अनुमति दे दो तो ये एक प्रकार का प्रलोभन होता है, वैसे ही ये कर्मकांड के विभिन्न प्रकार के नियम जीव को ये समझाने के लिए कि कम से कम पाप और पुण्य का अंतर तो सीखो। मांसाहार की अनुमति वैदिक शास्त्रों में वहां दी गई है जहाँ यज्ञ के द्वारा मारे गए जीव को पुनः प्राण दिलाने की, पुनः उसी योनि में या अन्य योनि में मंत्र शक्ति के द्वारा सामर्थ्य हो, अन्यथा मांसाहार वर्जित है। तो जब तक जब हम ज्ञान को श्रवण करें तो हमें पूरे उसके साथ, पूरे विषय और सापेक्ष के साथ ग्रहण करना चाहिए। कलयुग में मांसाहार वर्जित इसलिए कहा गया क्योंकि कलयुग में गोमेद और अश्वमेध यज्ञ प्रतिबंधित है। गोमेद और अश्वमेध यज्ञ में जब घोड़े और गायों की बलि दी जाती थी, उन्हें वृद्ध जरा कृशकाय शरीर वाले वो होते थे और उन्हें पुनः जीवन प्राप्त हो सके इसके लिए ऐसे मंत्र साधने वाले पुरोहित तो उपस्थित होते थे। कलयुग में इनकी उपलब्धता नहीं रहेगी। कलयुग में तो वास्तव में संन्यास भी वर्जित कहा गया। जो 7 प्रकार के कार्य वर्जित कहे गए उसमें संन्यास भी एक आता है। गोमेद और अश्वमेध यज्ञ आता है। भाई की पत्नी से विवाह करना वर्जित बताया गया है। अन्य युगों में इसकी कहीं कहीं जहाँ हमें स्वीकारोक्ति मिलती है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार बताई गई है। तो इन उत्सवों का मंतव्य विरक्ति उत्पन्न करना था, इन उत्सवों का मंतव्य ये जीवन की गति नहीं था। ऐसे अनेक वैदिक कर्मकांड हैं आचार्य कहते हैं जो संयमित ढंग से इंद्रिय सुख प्रदान करने वाले हैं, संयमित ढंग से, और इसलिए बद्ध जीव को नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति की कठोरता को स्वीकार करके वास्तव में भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा करने का आदि बनाना था। 21 दिन तक ये उपवास करो फिर आप आनंद ले सकते हो। महीने की इन मास की इन तिथि विशेष अवसरों पर इस प्रकार का संयम करो। ये जितने भी कर्मकांड की बातें बतलाई गई थी भक्ति योग में, ये सब कुछ शून्य है, इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं है। जितने भी खर दिन बताए जाते हैं, जितनी भी अनेक अनेक प्रकार की आदतें बताई जाती हैं, इस्कॉन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में सप्ताह के 7 दिन, मास के 30-31 दिन, वर्ष के 365 दिन खिचड़ी वितरण किया जाता है ताकि भगवान को अर्पित किया गया भोग जो प्रसाद बन चुका है। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी अन्न खाने के लिए कहा गया। जगन्नाथ किसी को भी व्रत में नहीं देखना चाहते। तो भक्ति योग कर्मकांड के नियमों के ऊपर है, पर भक्ति योग का दिखावा करके और हम नियमित संयमित होने से, इंद्रिय तृप्ति से स्वयं को परे रखें, ये एक अन्य प्रकार का अपराध हो जाता है। दोनों को हमें सम्यक रूप से समझना है, चाहे वर्तमान युग की बात हो चाहे अन्य युगों की बात हो। किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति जीव को भगवत प्राप्ति की ओर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि अंत काले च मामेव व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय, ताकि जीव मुझे अंत समय में स्मरण कर सके। और अंत समय में स्मरण करने के लिए जीवन भर स्मरण करना पड़ेगा। तो ये बिना किसी दो राय के एक स्पष्ट संकेत, भक्त बनने का एक ही मार्ग है भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करना, उसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अभक्त बने रहने का स्तर होता है। धनम च धर्मे कफलम यतो वै ज्ञानम सविज्ञानम अनु प्रशांति ग्रहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम्। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष अनुभूति में और इस तरह समस्त कष्ट से मोक्ष में परिणत हो जाता है। किंतु भौतिकतावादी व्यक्ति अपने धन का सदुपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे यह देख नहीं पाते कि दुर्लभ्य मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है धन देवी लक्ष्मी सदैव भगवान की सेवा में संलग्न है, तो संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिक कार्यों के लिए उसका प्रयोग करना है, और इस प्रकार से मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त करता है। अपने आप को मोक्ष में परिणत करने के लिए, भगवान की भक्ति में अनुकूल बनाने के लिए वो अपने धन का सदुपयोग करता है। पर सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति
अपने धन का सदुपयोग पारिवारिक स्थिति को ही पुष्ट करने में, उसकी उन्नति में ही लगा रहता है। जैसे जैसे हमारा सामाजिक स्तर, धन प्रतिष्ठा बढ़ता चले, वैसे वैसे हमारे भोग भी और अधिक बढ़ते चले जाने चाहिए। ऐसी वृत्ति रखने वाले भौतिकतावादी जीव, आचार्य हमें यहाँ पर सतर्क करते हुए कहते हैं, निश्चित रूप से शीघ्र ही समयांतर पर दुर्लभ मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, और वो ये नहीं समझ पाएंगे कि जो संसाधन उन्हें प्राप्त हुए थे उसका सर्वाधिक सदुपयोग वो किस रूप में कर सकते थे। तो विचार करने की बात है, यदि लक्ष्मी देवी का प्रयोग भगवान की सेवा में सतर्कता पूर्वक किया जा रहा है और भौतिक संसाधनों का उपयोग उतना ही किया जा रहा है जितना जीवन वहन करने के लिए आवश्यक है, तो यह सुगति का मार्ग प्रशस्त करेगी, साधन प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त किसी भी और अन्य प्रकार से किया गया कार्य हमारे धन संचय में व्यतीत किए गए समय को कभी भी संतुलन के साथ स्थापित नहीं कर सकती। श्लोक संख्या 13 में, यद घ्राण बक्षो विहित सुराया तथा पशोआलभनम् न हिंसा एवं व्यवाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धम न विदु स्वधर्मम्। वैदिक आदेशों के अनुसार जब यज्ञोत्सवों में सुरा प्रदान की जाती है तो उसका पीकर नहीं अपितु सूंघ कर उपयोग किया जाता है। इस प्रकार यज्ञों में पशु बल की अनुमति है, किंतु व्यापक पशु हत्या के लिए कोई प्रावधान नहीं है। धार्मिक यौन जीवन की भी छूट है, किंतु विवाहोपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए, शरीर के विलासात्मक दोहन के लिए नहीं। किंतु दुर्भाग्यवश मंद बुद्धि भौतिकतावादी जन ये नहीं समझ पाते कि जीवन में उनके सारे कर्तव्य नितांत आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न हो जाने चाहिए। तो जो हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिसके बारे में हमने स्पष्टीकरण लिया अभी, उसी की यहाँ पर पुष्टि की गई। कहा गया है यज्ञ में पशु बलि की अनुमति की गई थी, पशु हत्या नहीं, कि इतने बृहद स्तर पर सभी के स्वादेंद्रिय को तृप्त करने के लिए बड़ी संख्या में पशुओं का वध किया जाए। पशु हत्या नहीं, पशु बलि की बात की गई थी। अंतर है दोनों में। इसी प्रकार गृहस्थ में धार्मिक यौन जीवन की छूट दी गई है, विवाहोपरांत संतान उत्पन्न करने के लिए, शरीर का विलासात्मक दोहन करने के लिए नहीं। और तीसरी जो यहाँ पर पंक्ति की गई है वो ये कि जब यज्ञोत्सवों में सुरा प्रदान की जाती थी तो उसका प्रयोग पी कर नहीं सूंघ कर किया जाता था। तो अगली बार जब भी कोई कहे कि वैदिक शास्त्रों में तो इस प्रकार मांसाहार को, पशु बलि को और सुरापान को संस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर हम उसको संदर्भित कर सकते हैं। मध्वाचार्य जी ने इस संदर्भ में बहुत व्यापक रूप से लेखन किया है और लिखा है कि जब अंधाधुंध पशु वध किया जाता है तो ऐसा वध वास्तविक हिंसा है, किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा ये स्वीकृत नहीं किया जाता। यदि पशु यज्ञ सही ढंग से संपन्न किया जाता है तो बलि किया गया पशु तुरंत देवलोक या पितृलोक चला जाता है, क्योंकि वैदिक मंत्रों की शक्ति प्रदर्शन के लिए पशु बलि की जाती थी। यज्ञ तब तक संपन्न नहीं माना जाता था तब तक जिस पशु की बलि दी गई है उसकी आत्मा देवलोक या पितृलोक नहीं चली जाती थी, या उसके बूढ़े कृशकाय शरीर से अश्वमेध अश्व के लिए, अश्व यदि बीमार हो जाए तो उसे सीधे मार दिया जाता है, अश्व यदि लंगड़ा हो जाए तो उसे आज भी गोली मार दी जाती है, क्योंकि अश्व बैठता नहीं है अगर हम विचार करके देखें तो। तो हमें जब विषय की पूरी जानकारी ना हो तो स्वार्थपरता के लिए उसे केवल एक मत जानकर अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग करना ये अनुचित है। वैदिक मंत्रों की शक्ति प्रदर्शन के लिए पशुओं का बलि का विधान है शास्त्र में, जहाँ स्पष्ट लिखा है यहाँ शक्ति से बलि किया हुआ पशु तुरंत उच्च लोक को प्राप्त होता था। कलयुग के लिए तो वैसे ही पशु यज्ञ का निषेध है। कलयुग में हम आगे श्रवण करेंगे, एकमात्र यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन है, क्योंकि पहले तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करने वाले योग्य ब्राह्मणों का अभाव है। उसके अलग जाएं यदि तो ऐसी यज्ञशालाएं नहीं है, उसके पश्चात जाएं तो पाखंडी लोग लोभ के प्रलोभन के इस अर्थ में इस पद्धति का दुरुपयोग कर सकते हैं, उस स्तर के संसाधन नहीं है, और इसलिए इन सब का निषेध करने के लिए, इनको रोकने के लिए भगवान का स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतार है, जहां उन्होंने इस घृणित उक्ति को अस्वीकार किया है। तो जयदेव गोस्वामी का यहाँ उल्लेख है कि कैसे उन्होंने कहा है कि मनुष्य रूप में चार प्रकार की जो प्रवृत्ति जीव में पाई जाती है, एक है ठगने की प्रवृत्ति, और ऐसे शास्त्र के वचनों का दुरुपयोग करना ये ठगने की प्रवृत्ति में आता है। अपनी इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए कहीं से भी किसी का भी नाम लगाकर कोई भी बात कह देना, ये मनुष्य की चीटिंग प्रोपेंसिटी ठगने की प्रवृत्ति के अंतर्गत आती है।
अभक्तों के इन स्वरूपों का, इन गुणों का, या कहें अवगुणों का उल्लेख करते हुए आगे चमचमणि कह रहे हैं, ये तो अनेवम विदो असंत स्तब्धा सत अभिमानिना वशुन दुर्यंति विश्रब्धा प्रत्यखादंति ते चतान। वे पापी व्यक्ति जो असली धर्म से अनजान होते हुए भी अपने को पूर्ण रूपेण पवित्र समझते हैं, उन निरीह पशुओं के प्रति बिना पश्चाताप किए हिंसा करते हैं जो उनके प्रति पूर्णतया आश्वस्त होते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति अगले जन्मों में उन्हीं पशुओं द्वारा भक्षण किए जाएंगे जिनका वे इस जगत में वध किए रहते हैं। तो वास्तव में ये शास्त्र का वचन है कि जिन पशुओं का आज अन्यों के द्वारा भक्षण किया जा रहा है, बाद में इन्हीं पशुओं के द्वारा उन जीवों का भक्षण किया जाएगा जो आज उनका भक्षण करें। तो प्रकृति का क्रम है ये, और कर्म फल की गणना के अनुसार ये विधान चलता रहेगा, और जीव इस प्रकार अनेकानेक योनियों में भ्रमण करता रहेगा। इसलिए किसी भी प्रकार की रीति में, किसी भी प्रकार की विषयासक्ति में लिप्त होने से पहले हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हम सभी भगवान के जीव तत्व विस्तार है, हम भी भगवान की तरह शाश्वत है, पर हम ये शरीर नहीं है, इस शरीर को गति प्रदान करने वाली आत्मा है। और यदि हम ऐसी किसी भी प्रकार की गति में अपने आप को संलिप्त कर रहे हैं, तो हमें ये स्वतंत्रता अवश्य है कि हम किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, किस प्रकार के कार्यों को संपादित करना चाहते हैं, पर उन कार्यों को संपादित करने के बाद का जो परिणाम है उससे हम मुक्त नहीं है। कर्म फल की गणना बड़ी गूढ़ है, इसलिए हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं पर कर्म के परिणाम से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भक्त अपने हृदय में भगवान को अधिष्ठित करके प्रत्येक कार्य में उनको प्रतिष्ठित करके व्यवहार करता है। हे भगवान, आपकी कृपा से ये सुबह, ये दिन, ये समय, ये अवसर, ये जीवन प्राप्त हुआ है, कृपया सभी कार्यों में मेरा मार्गदर्शन करें। तो पशु मांसाहार इससे संबंध के रूप में यदि हमें स्मरण कर रखना रहे तो स्कंध 11 अध्याय 5, जहां हम सभी श्रवण कर रहे हैं मांसाहार पे, कम से कम हम यहाँ पर तात्पर्यों को मिलाकर 20 से अधिक श्लोक अलग अलग स्थानों और दृष्टांतों से श्रवण कर चुके हैं। यदि अगली बार किसी को भी हमें शुभचिंतक के रूप में क्यों मांसाहार करना नहीं करना चाहिए, और क्यों शास्त्र में करने की विधि और पद्धति क्या बताई गई है, तो हम यहाँ पर स्कंध 11 अध्याय 5 का उल्लेख कर सकते हैं। इसको श्रवण और पठन करने के पश्चात अन्यों को, जिनके प्रति हम स्वभाव से हितैषी हैं, या जो स्वयं अपना कल्याण करने के लिए शास्त्र के किसी आदेश की किसी पंक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो, यहाँ हम उनको संदर्भित कर सकते हैं। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 15 में, द्विषंत पर कायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम मृतके सानुबंधेस्मिन् बद्ध स्नेहा पतन्त्यधः। बद्ध जीव अपने शव तुल्य भौतिक शरीरों तथा अपने संबंधियों एवं साथ समान के प्रति स्नेह से पूरी तरह बन जाते हैं। ऐसे गर्वित एवं मूर्खतापूर्ण स्थिति में बद्ध जीव अन्य जीवों के साथ साथ समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले भगवान हरि से भी द्वेष करने लगते हैं। इस प्रकार ऋषि अवश्य अन्यों का अपमान करने से बद्ध जीव क्रमशः नरक में जा गिरते हैं। विचार करके देखें यहाँ पर हम, तो इन पंक्तियों को पढ़ते हुए जो सबसे पहले मुझे स्मरण आया वो धृतराष्ट्र का आया। धृतराष्ट्र का जीवन देखें यदि हम, तो क्या दिखता है वहां पर, दुर्योधन के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से धृतराष्ट्र परिचित है। धृतराष्ट्र बुद्धिमान परिवार में, वंश में, जहाँ भीष्म पितामह, विदुर, जहाँ स्वयं वेद व्यास जी की परंपरा चल रही है, वहां उस परिवार में जन्म लेकर भी, इसलिए जन्मना जातिगत श्रेष्ठता हमारे यहाँ उचित नहीं मानी गई है, उस परिवार में जन्म लेकर धृतराष्ट्र अपने संबंधियों के साथ, अपने स्वयं के परिवारिजनों के साथ, जो उनके, जब प्रश्न, जब श्लोक आता है अध्याय 1 में, माम का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्रों ने क्या किया, कैसी भिन्नता दिखाते हैं वहां पर। तो अपने लिए, अपने साथ सामान के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने संबंधी के लिए, ऐसी गर्वित और मूर्खतापूर्ण स्थिति जहाँ जीव ये अंतर न कर पाए कि इस मनुष्य जीवन में ये हमारे संबंधी है, किसी मनुष्य, किसी अन्य जीवन में, किसी और रूप में ये हमारे संबंधी रहे होंगे, चाहे हित के लिए, चाहे अहित के लिए। और ऐसा जब जीवन के इस यात्रा में, इस प्रकार के अनुभव में स्नेह बंधन इतना अधिक दृढ़ हो जाता है, तब यहाँ पर उल्लेख है कि समस्त जीवों के हृदय में वास करने वाले भगवान हरि से भी द्वेष करने लगता है जीव। धृतराष्ट्र ने बिल्कुल वैसा ही किया, दुर्योधन ने बिल्कुल वैसा ही किया, कहते हैं बांध लो। दुर्योधन जो पहले अनुभव ले चुके थे कि द्रौपदी का चीर हरण करने के उनके दुशासन और उनके प्रयास में किस प्रकार केशव ने रक्षा की है, साड़ी का अंबार लग गया, और अगली बार जब भगवान अंतिम शांति वार्ता के लिए युधिष्ठिर की ओर से कहे जाने पर जा रहे हैं, तो दुर्योधन कहता है बांध लो।
भगवान कहते हैं बांध के मुझे बांधने चले हो, मैं बंधता हूँ, मैं शबरी के प्रेम में बंध सकता हूँ, मैं जटायु का संबंधी की तरह अंतिम संस्कार कर सकता हूँ, पर अपने गर्व से, अपने हठ से, अपने अहंकार से, अपनी मूढ़ता से तुम तो मुझे नहीं बांध सकते। तो आचार्य कहते हैं ऐसे जीवों की क्या गति होती है, ईर्ष्या व अन्यों का अपमान करने से ऐसे बद्ध जीव क्रमशः नरक में जा गिरते हैं। नरक वो स्थिति बताई जा रही है, इस जगत में रहते हुए भी कोई नरक में रह सकता है। नरक जो लोकों का स्तर है, जहाँ अतल सुतल तलातल पाताल की बात की जा रही है, केवल उस नरक की बात नहीं की जा रही है जहाँ अनेकों प्रकार के नरक का उल्लेख हमने स्कंद पांच में श्रवण किया है। नरक उस मानसिक स्थिति की बात की जा रही है जहाँ एक अत्यधिक सुवासित सभी प्रकार के सुविधाओं से युक्त स्थान में स्थित होने के बाद भी जीव को आत्मिक शांति न हो, जीव अनेकों प्रकार के क्लेश से, अनेकों प्रकार के दूषित विचारों से पीड़ित हो रहा हो, उस स्थिति को भी नरक कहा जाता है। तो नरक स्थान की बात नहीं है, नरक हमारे जीवन में प्रतिक्षण व्यतीत किए जाने वाली ये एक अवस्था की बात की जा रही है, स्थान विशेष की बात नहीं है। और स्थान विशेष जो अन्यों को आसानी से पाप पुण्य जिन्हें समझ में आता है उनके लिए स्वर्ग नरक स्थापित किया गया है। आगे कहते हैं ये कैवल्यम असंप्राप्ता ये चातीता च मूढ़ताम त्रैवर्गिका ह्य क्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते। जिन्होंने परम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं किया है फिर भी जो निपट अज्ञानता के अंधकार से परे हैं, वे सामान्यतया धर्म अर्थ तथा काम इन तीन पवित्र पुरुषार्थों का अनुसरण करते हैं। अन्य किसी उच्च उद्देश्य के बारे में विचार करने के लिए समय न होने से वे अपनी ही आत्मा के हत्यारे बन जाते हैं। तो समयांतर पर क्या होता है, ऐसे ऐसे जीव जो अपने जीवन में परम सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत नहीं है, वो अज्ञानता के अंधकार में धीरे धीरे उनके लिए जीवन में आसपास में किसी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं होती जिससे वो अपने आप को भगवान के समीप अनुभव कर सके, उनके आसपास का वातावरण ऐसा हो जाता है। आचार्य कहते हैं दुर्भाग्यवश पवित्र और अपवित्र सारे भौतिक कार्यकलाप वो अनिवार्यतः पाप कर्म से संदूषित रहकर करने लग जाते हैं। भौतिक दृष्टि से वो सांसारिक समृद्ध शारीरिक सौंदर्य और सुंदर परिवार प्राप्त कर लेते हैं, पर अपने पद से गर्वित होकर जगत में कुशलता का झूठा भाव उत्पन्न करके भौतिक कष्टों से अपने आप को मुक्त करने के लिए सतत प्रयास करने के रूप में अपने नित्य आत्मा के लिए एक क्षण भी खर्च नहीं करेंगे, पर इन सब के लिए वो पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। ये एक दुर्भाग्य की निशानी है। इससे अपनी हठ धर्मिता के कारण वो अपना भविष्य अंधकारमय बना लेते हैं और दीर्घ समय के लिए वो इससे बच नहीं पाते। तो आज के लिए अंतिम श्लोक लेंगे, श्लोक संख्या 17, जहां पर चमश मुनि कहते हैं कि अभक्त किस प्रकार का जीवन जी रहा होता है और क्यों उसे भगवान से द्वेष है, क्यों उसे ईर्ष्या है, कैसा उसके जीवन की गति होती है बताते हुए कहते हैं एते आत्महनो अशांता अज्ञाने ज्ञान मानिना सीदंत्याकृत कृत्या वै कालद्वस्त मनोरथा। इन आत्महंताओं को कभी भी शांति नहीं मिल पाती क्योंकि वे यह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि अंततः भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए है। इस तरह अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करते हुए वे सदैव कष्ट पाते हैं। वे उच्च आशाओं एवं स्वप्नों से पूरित रहते हैं किंतु दुर्भाग्यवश काल के अपरिहार्य प्रवाह के कारण ये सब सदैव ध्वस्त हो जाते हैं। तो परम बुद्धिमान वो नहीं है जो इस जगत में, वो बुद्धिमान अवश्य है जो इस जगत में जैसे ही उसने धन कमाना शुरू किया अपने लिए अनेकों प्रकार के इंश्योरेंस की व्यवस्था कर ली ताकि उसका रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छा रहे। इस जगत में हम उसे बुद्धिमान कहेंगे जिसने 20 21 22 25 साल से धन कमाना आरंभ किया और उसका एक अंश उसने अपने रिटायरमेंट के लिए 30 40 साल के बाद की अपनी या किसी प्रकार की आकस्मिक शारीरिक असुविधा के लिए संचित करना शुरू कर दिया। आचार्य कहते हैं वो बुद्धिमान है, निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सामान्य जन बुद्धिमान कहते हैं। और परम बुद्धिमान क्यों कौन है, जो इस जीवन के बाद के जीवन की तैयारी कर रहा है, इस जीवन के बाद के जब ये जब इस जीवन से रिटायरमेंट मिले तब की प्लानिंग, क्योंकि किसी भी प्रकार का इस जगत में किया गया इंश्योरेंस हमें मृत्यु से नहीं रोक सकता। वर्तमान क्षण से लेकर मृत्यु तक के बीच के लिए की गई कोई भी व्यवस्था आचार्य कहते हैं बहुत अधिक बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि
क्योंकि मानवीय बुद्धि यदि अंततः भौतिक जीवन का विस्तार करने के लिए प्रयासरत है, तो अपने असली आध्यात्मिक कर्तव्य की उपेक्षा करके वो किसी न किसी प्रकार के कष्ट में सदैव रहेगी। अनेकों प्रकार की उच्च आशाएं एवं स्वप्नों से पूरित होने की आस में वो अपने लिए एक प्रकार से अपनी आध्यात्मिक आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जीव की हर एक इच्छा के साथ भगवद गीता में जहाँ अध्याय 8 हम श्रवण करते हैं, श्लोक संख्या 5 से लेकर 15 तक, भगवान वहाँ श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य कहा है, अपनी प्रत्येक इच्छा के साथ जीव अपने लिए एक नवीन जीवन का निर्माण कर रहा है, एक एक और जन्म का, एक और योनि का निर्माण कर रहा है। मेरे पास ये होता बहुत अधिक सोने की इच्छा है, उसको ध्रुव पर, नॉर्थ एंड साउथ पोल पर उसे भालू की योनि मिलती है, जहाँ पर वो 6 महीने तक बिल्कुल वस्त्र पहनने की इच्छा नहीं है, अपने शरीर को बहुत अधिक दिखावे की प्रवृत्ति में रखने की इच्छा है, कहा गया है। ऐसा जीव समयांतर पर वृक्ष योनि को प्राप्त करता है। तो शास्त्र में सभी प्रकार के कर्म और इच्छाओं के फल का विधान है, और इसलिए भगवान कहते हैं कर्म की सभी प्रकार के कर्म फल मुझे समर्पित कर दो, ताकि तुम्हारी इच्छाओं का अंत हो जाए। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग भगवान ने इस सृष्टि के लिए की है, वो अपने नियम के अनुसार कार्य करेगी। यदि हम चाहते हैं कि वो नियम हम पर लागू ना हो, तो हमें सीधे प्रोग्रामर के पास जाना पड़ेगा, हमें सीधे भगवान के पास जाना पड़ेगा। तो आत्महंता उसे कहा गया जो श्रद्धा विहीन है, अज्ञान से पूर्ण लोकों में विचरण करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहा है। यदि हम श्लोकों की संख्या के क्रम में देखें, तो श्लोक संख्या 19 से हमने देखा, जो 9वां प्रश्न है उसका उत्तर श्लोक संख्या 19 से है, तो हम सभी यहाँ पर 17वें श्लोक पर हैं, श्लोक संख्या 17 पर। तो प्रयास करते हैं श्लोक संख्या 18 को भी हम लोग कर लें, क्योंकि अभक्त के गंतव्य के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर चमस मुनि का, क्योंकि पहले मैंने कहा कि अंतिम श्लोक है, पर समय का किंचित जिनके लिए संभव हो वो एक साथ श्रवण कर सकते हैं। हम लोग 2-5 मिनट का समय लेकर इस विषय को यहाँ पूरा करेंगे, फिर जहाँ पर राजा निमित्त द्वारा प्रश्न संख्या 9 पूछी गई है, वहाँ हम लोग आगे जाएंगे। ये सभी प्रकार के भक्तों को बता दिया गया है इनकी गति क्या होगी। कहते हैं श्लोक संख्या 18 में चमस मुनि, हित्वा आत्मा या रचिता गृहपत्य सुहृत्श्रिय तमो विशन्ति अनिक्षन्तो वसुदेव परांग। जिन लोगों ने ईश्वर की माया के जाल में आकर भगवान वासुदेव से मुंह मोड़ लिया है, उन्हें अंत में बाध्य होकर अपने तथाकथित घर, बच्चे, मित्र, पत्नियां तथा प्रेमी जनों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये सब भगवान की माया से उत्पन्न हुए थे। और ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड के घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। कक्षा में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी नहीं चाहता कि वो फेल हो जाए, कक्षा में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी नहीं चाहता कि उसके कम मार्क्स आए, कक्षा में पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी नहीं चाहता कि वो पुरस्कार की श्रेणी में ना आए, पर इच्छाएं और उसके प्रति किए जाने वाले कर्तव्य के अनुपात में परिणाम प्राप्त होता है। तो ना चाहते हुए भी जिन संबंधी मित्रजनों और शुभ चिंतकों के साथ हम अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और यदि ये शुभ चिंतक मित्रजन, परिवारी जन, पति पत्नी, माता पिता, संतान भगवत प्रेमी नहीं है, तो वास्तव में इनके साथ बिताया गया समय हमें ब्रह्मांड के घोर अंधकार, हमारी इच्छा के विपरीत, यहाँ लिखा है ऐसे लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड के घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। वे चाहते नहीं है जीवन पर्यंत भगवान की ओर से पीठ फेर कर क्षणिक इंद्रिय तृप्ति भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्री के रूप में हम अपने परिवारी जनों को खुश रखने का प्रयास कर रहे हैं, पुरुष के रूप में हम अपने परिवारी जनों के लिए और से अधिक पुरुषार्थ करके उनके लिए सुख सुविधा इकट्ठे करने का काम कर रहे हैं। पुनः विषय को उसकी वस्तु स्थिति के साथ समझना है। ऐसे कार्यों की मनाही नहीं की गई है, पर ऐसे संयमित कार्य अंततः भगवान के संरक्षण में करने हैं, क्योंकि जीव स्वभाव से मन कभी तृप्त नहीं होता, भौतिक इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती, इससे केवल चिंता का उदय होता है, पूरा जीवन इस संघर्ष में व्यतीत हो जाता है, और अंततः ये सारी वस्तुएं भी छिन जाती हैं। और ऐसी मोहग्रस्त हताशा की अवस्था में यदि बद्ध जीव, जो पूरे जीवन अहंकार में रहा, अज्ञान में रहा, भ्रामक इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़ा रहा, और अब कहे कि हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तो इस प्रकार अभक्तों का गंतव्य बताया, उनकी इच्छा के विपरीत वो ब्रह्मांड के घोर अंधकार में चले जाते हैं। जैसे विद्यार्थी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो ना चाहें तो भी उन्हें वही भ्रमण करते रहना होगा नए प्रकार के जीवों के साथ। तो यहाँ पर आज के लिए हम लोग सत्र को समाप्त करेंगे। श्लोक संख्या 19 से राजा निमि द्वारा भगवान के प्रत्येक युग में अलग अलग रूप, रंग, वर्ण और नाम के बारे में और उनकी पूजन विधि के बारे में पूछा गया है, जिसे
दिया जाएगा गर्भाजन ऋषि के द्वारा। तो इन नव ऋषियों के यदि हम नाम देखें तो आरंभ होता है कवि से, फिर हवीर से, फिर अंतरिक्ष से, फिर प्रबुद्ध से, फिर पिपलायन से, आविर्होत्र, तत्पश्चात द्रुमिल, अभी हमने चमश को सुना, और अंतिम प्रश्न का उत्तर विभिन्न युगों में भगवान के नाम, रूप, उनके गुणों और उनकी पूजा विधि के बारे में गर्भाजन ऋषि के द्वारा बताया जाएगा, जिसे हम सभी अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।